नहीं ठीक है सुधांशु मित्तल आप अपनी बात पूरी कीजिए, पूरी कीजिए अपनी बात। गौरव जी मैं इस डिबेट के वो बड़ा स्पष्ट कर दूं, मैं अगर बीच में इस तरह आप रेगुलेट नहीं करेंगे ठीक है सर, इंटरेस्ट नहीं है। आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, बात कहने का हक है। ये जब बोल रही थी मैं थोड़ी बीच में बोला। हाँ ठीक है ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो आप इनकी जो संस्कृति है, इनकी जो संस्कृति है उस संस्कृति का प्रतिबिंब ये हमें देखना चाहती है। कमाल है, हमारे कोई राजशाही है क्या? हमारे यहाँ कोई राजाओं का रोल चलता है कि भाई उन्होंने कह दिया और तय हो गया? नहीं नहीं सुधांशु मित्तल आप एक बात बताइए, आनंदीबेन पटेल ने अपने 2 साल के कार्यकाल में ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से उनकी वाहवाही होनी चाहिए और उनको नहीं हटाया जाना चाहिए? इतनी सारी जो फेल्योर्स की लिस्ट है उनके सामने, बताइए आप। मुझे आनंदी बहन को क्यों हटाया जाना चाहिए और कौन हटा रहा है अभी तक तो आपने कुछ बतलाया नहीं। आपने कहा पाटीदार आंदोलन 6 महीने पुराना, 8 महीने पुराना आंदोलन, उसका आज क्या परिपेक्ष है भाई? आपने कहा कि दूसरी क्या कही आपने, वो उनकी सर निकाय चुनाव मानेंगे, एग्जाम लगाए गए थे सर निकाय चुनाव मानेंगे, वो भी 4-5 महीने सर निकाय चुनाव मानेंगे। सत्ता में जो रहती है सरकार, उसकी सरकार का मौजूदा चुनाव इवैल्यूएशन होता है कि नहीं होता है? ये गौरव जी ये पुरानी सारी चीजें हैं जिनका संज्ञान संगठन ने लेके यही मतलब उसके बाद भी वो चल रही है, तो आज क्या परिप्रेक्ष्य है उनको हटाने का? कोई हमेशा किसी चीज का कोई परिप्रेक्ष्य होता है, पुराने किस्सों को लेके आप आज का परिप्रेक्ष्य, आज का परिप्रेक्ष्य करके मुझे लगता है ठीक है, आज का परिप्रेक्ष्य आप पूछ रहे हैं। अमी याग्निक मैं बताऊंगा सुधांशु मित्तल जी को कि मेरे पास क्या आधार है आज के परिप्रेक्ष्य का, लेकिन आप इस बात का जवाब देना चाहेंगी कि आज क्यों और आनंदीबेन पटेल को हटाने की बात हो रही है? देखिए ये पता नहीं कि ये क्यों बार बार और 2-3 बार जाके पीएम साहब को मिले हैं और उनकी अंदर की बात तो बाहर नहीं आई है, पर उनसे लोग बहुत कफा है। यहाँ गुजरात में 2 साल में आप क्राइम रेट देखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखेंगे, ये जमीन की जो उनकी बेटी की जो बात है बहुत बड़ी सीरियस है बात है, और आप जरा देख लेना उनके आंकड़े भी देख लेना कैसे जमीन आवंटन में भूमि अधिकरण में सारे वायोलेशंस किए हैं, और अगर आप विमेन का भी देखेंगे तो सिक्योरिटी सेफ्टी की बात लेंगे 3-4 मुद्दे हैं, माल न्यूट्रिशन की बात है, तो इस सब बातों 2 साल में तो बिल्कुल नीचे गया है, तो सब लोग वैसे भी खफा है। शी इज नॉट कंसिडर्ड टू बी दैट काइंड ऑफ अ चीफ मिनिस्टर। हाँ वो जिस तरह से है तो मैंने पहले बताया एक ही क्राइटेरिया है कि विश्वास पात्र है तो वहां बैठे उनके बीजेपी के लोगों को पूछेंगे तो आपको एकदम अच्छा जवाब मिल जाएगा और सच्चा जवाब मिल जाएगा, हमसे पूछेंगे तो हम बताएंगे कि जमीनी रियलिटी क्या है। तो क्या आपके मुताबिक कुछ भी काम नहीं हुआ 2 सालों में? बिल्कुल भी नहीं, वो सारे उत्सव होते हैं, अवार्ड्स दिए जाते हैं और जो भी है आप देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का आप आंकड़े देखो, विमेन सेफ्टी के आंकड़े देखो, क्राइम रेट देखो, विमेन के जो है प्रोहिबिशन पॉलिसी का आप देखो, आप धाड़ मार लूट कोई नया रास्ता नहीं बनाया, कुछ नया प्रोग्रेस नहीं हुआ है, कोई गांव गांव में जाके कुछ रूरल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, आप अगर देखेंगे तो कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, और सीएजी का रिपोर्ट तो कुछ और ही कहता है, ये सब बातें नहीं बता रहे, तो ये सारे क्या बता रही है? सुधांशु मित्तल जवाब दीजिए, कोई काम नहीं कर पा रही हमें आनंदीबेन। गौरव जी इनको तो बड़ा खुश होना चाहिए, अगर जो सत्यता ये कह रही है सत्यता है तो इनको तो बड़ा खुश होना चाहिए, जैसे हम बड़े खुश हैं कि राहुल गांधी जो है उनके हाथ में कांग्रेस का नेतृत्व, हम बहुत खुश हैं। हमने कभी कहा है उनको हटाइए? नहीं कहा, क्योंकि जब तक वो रहेंगे हमारी तो इंश्योरेंस है। वो वैसे ही अगर इतना ही आनंदीबेन खराब है तो भाई आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपको तो खुश होना चाहिए, उनके जाने से तो आपको तकलीफ होनी चाहिए कि भाई आपको इतना अच्छा एक मुद्दा मिल जाएगा कि वो कुछ नहीं कर रही है। सत्यता कुछ हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की बात करें सुधांशु जी, और आप अगर चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो राहुल गांधी अभी चीफ मिनिस्टर नहीं है, आप कंपैरिजन करो तो ठीक से करो, आप वरिष्ठ हैं, आदरणीय हो, सम्मानीय हो, बहुत बुजुर्ग हो, तो आप कंपेयर भी ठीक से करो सुधांशु जी, क्या किससे कंपेयर करते हैं आप? चलो ठीक है, एक और हम एक आपके पास आ रहे हैं, लेकिन जल्दी से दिखाते हैं कि और क्या इस वक्त खबरें हैं। इस वक्त खबरें न केवल आनंदीबेन पटेल
पटेल को हटाए जाने की बल्कि केंद्रीय कैबिनेट में भी बदलाव हो सकता है। जी हाँ, क्या हो सकता है, यूपी चुनाव से पहले कैबिनेट में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है और यह फेरबदल यूपी चुनाव को देखते हुए होगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो कि अब हो चुके हैं और नतीजे कल आने वाले हैं, तो 19 तारीख को आने वाले हैं। उससे पहले ये कहा जा रहा था कि 5 राज्यों के बाद ये होगा और अब 19 तारीख के बाद ये फेरबदल हो सकता है। सरकार के 4 बड़े नाम वाले पोर्टफोलियो बदले जा सकते हैं, तो 4 बड़े पोर्टफोलियो वाले मिनिस्टर्स को रिशफल किया जा सकता है या उनके जगह किसी नए को ला जा सकता है। उत्तर प्रदेश से कुछ चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और कुछ मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए। आनंदीबेन पटेल के बाद केंद्रीय कैबिनेट, सुधांशु मित्तल। एक तो गौरव जी, मैं आखिरी बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर मेरे को बीच में ये बोलेंगे और आप इसको नियंत्रित नहीं करेंगे। नहीं, मैं तो नियंत्रित कर रहा हूँ, मैं अमी याग्निक से बोल भी रहा हूँ। आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। थोड़ी तहजीब, नहीं चर्चा, ठीक है, मैं ठीक है, अमी याग्निक उनको बोलने दीजिए फिर आप बोलिएगा। अमी याग्निक उनको बोलने दीजिए फिर आप बोलिएगा, ठीक है, बोलिए सुधांशु मित्तल, जवाब दीजिए। लेकिन नहीं गौरव जी, वो जब नहीं कंपैरिजन जिसकी कंपैरिजन, अमी याग्निक आपका समय आएगा, बोलिए। हर बात में आप युवराज राहुल जी लाएंगे, ही इज नॉट चीफ मिनिस्टर। हम चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर की बात करने की, इस मुद्दे पर लेकिन जल्दी से सुधांशु मित्तल जवाब दीजिए। सुधांशु मित्तल, केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल क्यों? ऐसा है, केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल है नहीं है, है तो क्या है क्या नहीं है, किसके पोर्टफोलियो रहेंगे, किसके बदले जाएंगे, ये सारी क्या से हैं। और माफ करिएगा, इसका निर्णय करने का जो विशेष अधिकार है वो प्रधानमंत्री का है और मैं तो कम से कम प्रधानमंत्री नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे इस विषय में कोई कहना कि भाई हो क्या रहा है, ना भी आप भी नहीं है, ना आप जानते ना मैं जानता, ना कोई जानता है इसमें। लेकिन क्या है, लेकिन आप नकार नहीं रहे इस बात को, सबसे बड़ी बात नहीं है, आप इनकार नहीं कर रहे। पिछले 4 महीने सुनिए ना, अरे मैं कह रहा हूं ना कि मुझे नहीं पता और हो किसी को भी नहीं पता, ये पिछले 4 महीने 5 महीने से यही सुनता आ रहा हूं मैं। तो मैंने कहा ना, काजी जी शहर का अंदेशा, तो भाई इस तरह राजनीति चलेगी क्या?